मैं हूँ डॉक्टर आर्टिक, नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयरिंग ऑनलाइन। मेरे पास काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एक ऐसा फेस पैक या फेस मास्क शेयर करूं जो कि बनाने में आसान हो, जिसके सारे इंग्रेडिएंट आसानी से आपके घर पर अवेलेबल हो और जो बनाने में भी बहुत आसान हो। तो फाइनली मैं एक ऐसा फेस पैक लेकर आ रही हूँ जो कि शायद वर्ल्ड का बेस्ट फेस पैक है। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक साथ आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को टारगेट करता है। और फिर चाहे आपकी एज 12 ईयर हो, 13 ईयर हो, या फिर आपकी एज 60 ईयर या उससे ज़्यादा हो, टीनेजर जो बच्चे होते हैं 12-13 साल के बाद, स्पेशली उन बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है कि उनके चेहरे पर दाने होना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी फुंसियाँ निकलना शुरू होती हैं और फिर आगे चल कर वो सीवियर पिंपल्स का रूप ले लेती हैं। तो उस प्रॉब्लम को अगर आप शुरुआत में ही कंट्रोल कर लेते हैं तो आगे चल के वो नहीं बढ़ती है, इतनी ज़्यादा आपके चेहरे को ख़राब नहीं करती है। तो उस प्रॉब्लम के लिए ये फेस पैक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके साथ ही नॉर्मली भी अगर आपकी स्किन पर ब्लेमिशेस हैं, बहुत जल्दी स्किन पर टैनिंग हो जाती है, कोई भी चीज़ अगर आप स्किन पर यूज़ करते हैं और उससे आपको एलर्जी हो जाती है, आप किसी ऐसे जॉब में हैं जिसमें आपको ज़्यादातर बाहर रहना होता है और आपको बहुत सारा मेकअप यूज़ करना होता है जिससे कि आपकी स्किन ड्राई हो गई है, डैमेज हो गई है, डल हो गई है और किसी भी तरह का निखार नहीं बचा है, तो ये एक ऐसा पैक है जो आप डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन की खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए, आपकी स्किन की जो एक्चुअल लाइफ है उसको बनाए रखने के लिए। क्योंकि ये रेमेडी ना सिर्फ आपकी स्किन को सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स से लड़ने के लिए तैयार करेगी, बल्कि आपके पीएच को भी बैलेंस करेगी, जिससे कि आप बाकी के कोई भी प्रोडक्ट अगर आपकी स्किन पर यूज़ करते हैं तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पर नहीं होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस रेमेडी को बनाना। और इसके लिए मैं जो मेन इंग्रेडिएंट ले रही हूँ उसमें शामिल है नीम पाउडर और तुलसी पाउडर। मेरे पास नीम और तुलसी पाउडर दोनों अवेलेबल हैं, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इनके बजाय फ्रेश लीव्स भी ले सकते हैं, ये दोनों ही पत्तियाँ बहुत आसानी से घरों में उपलब्ध होती हैं। तुलसी तो हर घर में होती है, इसके साथ ही नीम हमारे चारों तरफ आसानी से मिल जाती है, तो आप इनकी फ्रेश पत्तियां लेकर उन्हें बहुत अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर उन्हें सुखाकर उनका पाउडर बनाकर भी फ्यूचर यूज के लिए रख सकती हैं। ये दोनों ही नेचर के द्वारा दी गई सबसे अच्छे एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी भी तरह का चेहरे पर इन्फेक्शन हो गया हो, किसी प्रोडक्ट या केमिकल से हार्मफुल डैमेज हो गया हो, उसको ठीक करती हैं और उसको हील करती हैं। ये ना सिर्फ स्किन हील करती हैं बल्कि स्किन रेजुविनेशन भी बहुत अच्छी तरह से करती हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ तुलसी और नीम का पाउडर। इसके अलावा जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है जायफल या नटमेग का पाउडर। नटमेग या जायफल का पाउडर मैं स्पेशली इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपने बहुत सुना होगा कि जब पिंपल्स होते हैं तो कच्चे दूध में जायफल का पाउडर मिलाकर या अकेले जायफल को घिस कर लगाया जाता है, जो कि एक्चुअली पिंपल्स को सब्साइड करने में, ठीक करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो इस रेमेडी में जब मैं नटमेग पाउडर मिलाऊँगी तो वो लोग जो अपने चेहरे पर बारीक दाने, पिंपल्स और बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस से परेशान हैं, उन लोगों को काफ़ी राहत इन सारी प्रॉब्लम से मिलेगी। अगर आपके पास नटमेग पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह दालचीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर नटमेग पाउडर आप लेती हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा मैं इस रेमेडी में मिलाऊंगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी इसलिए क्योंकि ये आपके रंग को तो निखारेगी, साथ में इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं नेचुरली, तो आपकी स्किन पर दाने और पिंपल्स को सब्साइड करने में, उनको ठीक करने में ये हेल्पफुल होगी। अगला इन्ग्रीडियंट है मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी तो हमेशा से ही डीप क्लिंजिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अगर टीन एज में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सीवम प्रोडक्शन हो रहा है, आपके चेहरे के पोर्स क्लोज हो गए हैं और वो एक रीज़न है आपके चेहरे पर दाने होने का, तो उस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी होती है। ब्लैक हेड्स अगर आपकी स्किन पर हैं, वाइट हेड्स आपकी स्किन पर हैं, तो उस प्रॉब्लम के लिए भी मुल्तानी मिट्टी बहुत इफ़ेक्टिव होती है। इसके अलावा मैं इस रेमेडी में मिला रही हूँ टमाटर का रस। टमाटर का रस इसलिए क्योंकि ये एक बहुत अच्छी एंटी टैन इंग्रेडिएंट होती है जो कि आपके चेहरे पर किसी भी तरह के टैनिंग को निकालती है, कालेपन को निकालती है, चेहरे का रंग साफ करती है, एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होती है। टमाटर के रस में बहुत सारा विटामिन सी होता है जो कि आपके स्किन को
ना सिर्फ हील करता है, नई सेल को बनने को प्रमोट करता है, बल्कि जो पुरानी स्किन है, डेड स्किन है, उसको भी निकाल कर चेहरे पर होने वाली झुर्रियों, पिगमेंटेशन और आंखों के आसपास होने वाले क्रोस फीट से छुटकारा दिलाता है। तो ये हुई बात टमाटर के रस की, ये मैंने फ्रेश अभी निकाल कर रखा है। और इसके अलावा जो अगला इंग्रेडिएंट है इस रेमेडी में, वो मैं मिला रही हूँ पुदीना के पत्ते। यहाँ पर फ्रेश पुदीना के पत्ते मैंने लिए हैं। पुदीना भी अगेन बहुत अच्छा काम करता है आपके स्किन को सूट करने में, ठंडक पहुँचाने में। तो अगर बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करने की वजह से, मेकअप यूज़ करने की वजह से, या फिर नॉर्मली भी वेदर में होने वाले चेंजेस की वजह से, गर्मी की वजह से आपकी स्किन इरिटेटेड हो गई है, बहुत ज़्यादा जलन पड़ रही है, खुजली जैसी महसूस हो रही है, और भी कोई समस्या है, तो पुदीना उन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में बहुत अच्छा माना जाता है। एक नेचुरल सूदिंग और कामिंग एजेंट होता है जो चेहरे के दाने और पिंपल्स को सब्साइड करने में भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा ये आपके चेहरे पर हो गए गड़ों, खड्डों या ओपन पोर्स को क्लोज करने में भी बहुत इफेक्टिव होता है। अब इस रेमेडी को बनाने के लिए मैं एक बाउल लूंगी और ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं वन बाय वन मैं लेना शुरू करूंगी। यहाँ पर मैंने एक चम्मच लिया है तुलसी का पाउडर जो मैं इस बाउल में डाल दूंगी। एक ही चम्मच लिया है मैंने नीम का पाउडर। एक ही चम्मच मैंने ली है मुल्तानी मिट्टी। अब यहाँ पर हल्दी की अगर बात की जाए तो आधी चम्मच मैं मिलाऊंगी हल्दी। और जो जायफल का पाउडर है, इस पूरे पाउडर में आधा चम्मच मिलाना है। इसकी क्वांटिटी आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा मिलाते हैं तो ये चेहरे पर जलन कर सकता है और आपको रैशेस हो सकते हैं। यहाँ पर मैं इस रेमेडी को थोड़ा रोकूंगी, क्योंकि एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, और वो ये कि अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें जिस रेशियो में मैंने बताई हैं, इस रेशियो में मिलाकर आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर अपने वॉशरूम में रख सकती हैं। और यूज़ करते समय सिर्फ गुलाब जल मिलाकर भी इसको अगर यूज़ करेंगे तो भी आपके स्किन पर काफ़ी अच्छे इफेक्ट होंगे। आप डेली फेस वॉश की तरह इसको यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको एक फुल फ्लेज्ड पैक चाहिए तो आगे के स्टेप्स के लिए, जो मैंने आपको पुदीना बताया था, मैंने इस इमाम दस्ते में उसको कूट कर इसका पेस्ट बना लिया है। लगभग एक चम्मच पेस्ट हमको लेना है पुदीना का, तो ये सारा मैं इस पाउडर में मिला दूंगी। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है टमाटर का रस, और टमाटर का रस आपको उतना मिलाना है जिससे कि आपका सारा पेस्ट अच्छे से बन जाए। बस इस टमाटर के रस की हेल्प से आप सारी चीजों को मिला दें और एक स्मूथ पेस्ट बना लें। थोड़ा सा और मिलाऊंगी, मैं सारा मिला देती हूँ जिससे कि कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी हो जाए। ये लीजिए, आपका पैक बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप इसमें और ज़्यादा सूदिंग और कामिंग इफेक्ट चाहते हैं तो इसको बनाकर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें जिससे कि ये ठंडा हो जाए, और फिर इसके बाद अपने चेहरे को धोकर इवनली इसको अपने चेहरे और गर्दन पर फैला लें। आप देखेंगे कि आपको इतने ज़्यादा अच्छे कूलिंग इफेक्ट अपनी स्किन पर आएंगे, इतनी ठंडक आपको होगी, इतना रिलैक्स आप फील करेंगे कि फिर इसको आप बार बार यूज़ करना ज़रूर चाहेंगे। तो जरूर इस रेमेडी को यूज़ कीजिए और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए, और इसके साथ ही इस रेमेडी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप चाहते हैं कि इसी तरह की होम रेमेडी और ब्यूटी टिप आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।